हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आपने भी एनटीपीसी का CBT 1 एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोग को भी एनटीपीसी के CBT 2 एग्ज़ाम का आपको तैयारी कर रहे होंगे, और आप लोग को भी उसके रिजल्ट का इंतज़ार होगा कि CBT 1 का रिजल्ट कब आएगा। तो जैसा कि रेलवे का नोटिफिकेशन आया था कि 15 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा, और फिर अगले फरवरी में 14 से 18 फरवरी को CBT 2 का एग्ज़ाम होगा, लेकिन जैसा कोरोना का अभी सीज़न है, अभी कोरोना फिर से जो है ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये एग्ज़ाम इस टाइम पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी अभी तक नहीं हुआ है और उसका कोई अपडेट भी नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये अभी और आगे जाएगा। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप लोग NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर करते रहिए और ज़्यादा मेहनत से कीजिए, क्योंकि कंपटीशन तो टफ होने ही वाला है, और आपको अगर 2 महीना 4 महीना और समय मिलता है तो उसको आप यूज कीजिए। अगर आप थक करके हार के बैठ जाएंगे सरकार के पॉलिसी को देखते हुए, तो आप हार मान जाएंगे। इसलिए सरकार के इस रवैये के ऊपर जो भी है, सबको गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, हम लोग तैयारी कर सकते हैं। मैंने भी CBT 1 का एग्ज़ाम दिया है NTPC का, रांची बोर्ड से, और मैं भी उस समय सोच रहा था 2019 में जब मैंने ये फॉर्म भरा था, तो कि मैं भी जो है एग्ज़ाम दे करके अपना जो है स्टेट के आसपास पहुंच जाऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2019 में मैंने फॉर्म भरा, 2022 में भी CBT 1 का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो इस तरह से सरकार पता नहीं एक वैकेंसी को कितने साल तक खींचना चाहती है। तो इसलिए मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, और देखिए आशा करते हैं कि इस साल CBT 2 का एग्ज़ाम हो जाए। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। थैंक।